Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madhia Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ठीक है, पहले तो ट्रायम्फ का मतलब जानो. ट्रायम्फ का मतलब क्या हुई? विजय, जीत. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक. ठीक है, ऑफ सर्जरी. तो सर्जरी यहाँ पे देखो क्या बात हुई. यहाँ पे तुम ऑलरेडी समझ गए होगे इस पिक्चर से कि यहाँ पे एक बात हो रही है एक डॉग के बारे में और एक डॉक्टर. ठीक है, जिसको हम वेट बोलते हैं. मतलब जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेट. ठीक है, इतना याद रखना. ठीक है, जानवरों का डॉक्टर. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट. क्लियर? तो यहाँ पे जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट. तो स्टोरी ऐसी है कुछ कि भाई एक डॉग होता है जो काफ़ी मतलब अनहेल्दी खाता रहता है और ना काफ़ी मतलब हेल्थ इश्यूज होता है उसको. और यहाँ पे एक वेट है जो हमारे नरेटर हैं, वो एक जानवरों के डॉक्टर हैं जिनकी हम पूरी जो मतलब हम पूरी स्टोरी नरेट करेंगे एक डॉग के बारे में कि कैसे उसकी जो कंडीशन है वो सुधारी गई विदाउट एनी सर्जरी. ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है बट है, लेकिन जब तुम अंदर पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई सर्जरी हुई ही नहीं है. ठीक है, तो आज जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से क्या है भाई कि सर्जरी जब लिखी है तो हुई क्यों नहीं है और किस बात की जीत फिर है ना. तो आ जाओ. I was really worried about Tricky this time. ठीक है, जो डॉग का नेम क्या है? ट्रिकी. याद रखना है जो डॉग है उसका नेम क्या है? Tricky. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है जो वेट है वो बता रहा है कि भाई मैं जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी के लिए. वो जो है कार में से उतरा अपनी मालकिन के साथ और उसका पूरा अपीयरेंस पूरा जो लुक है वो देखकर मैं शॉक हो गया. He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. ठीक है, sausage पता है ना, सबने देखे होंगे ऐसे ऐसे sausages होते हैं चिकन वगैरह के ना, हॉट डॉग वगैरह में होते हैं ना. तो ऐसा लग रहा था उसको देख के, वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई मोटा सा sausage हो और उसके जो है हाथ पैर निकल आए हों. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब उसकी जो आँखें हैं वो पूरी ऐसी लाल हो रही थी, फटी की फटी, और उसकी जो टंग है वो भी उसके मुंह से बाहर निकली हुई ही रह रही थी. Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. ठीक है, अब जो ट्रिकी की जो मालकिन है, जो मिस्ट्रेस, उनका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे. ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो हैरियट जेम्स है, मिस्टर हैरियट. ठीक है, उनकी बात हो रही है कि भाई ये जो है काफ़ी लिस्टलेस हो रहा है, मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है, काफ़ी क्लूलेस है और कोई एनर्जी नहीं है इसके अंदर. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. ठीक है, अब वो ऑलरेडी इतना मोटा ताज़ा हो रहा है डॉग और उसकी जो ओनर हैं वो इतना मतलब इतना प्यार करती है, उससे एक्स्ट्रा ही प्यार करती है कि उनको लग रहा था कि भाई उनका जो डॉग है उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसको कमी हो रही है खाने की, तो मैं जो है उसको थोड़ा सा जो उसका दिन भर का जो खाना होता है उसके बीच उसको और थोड़ा बहुत देती रहती हूँ खाने को. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और इतना मतलब कैजुअली बता रही हैं कि बस उसके खाने के बीच में उसको माल्ट और हॉर्लिक्स और कॉड लिवर ऑयल ये सब देती रहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं देती. And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. ठीक है, आप जो हमारे वेट हैं वो बोलते हैं कि भाई आपने जो है तो जो मैंने मना किया था इसको कि भाई स्वीट्स वगैरह मत खिलाना, तो आपने वो बंद की. तो कहती मैंने करी थी लेकिन ये इतना ज़्यादा परेशान रहने लगा था कि मैंने वापस जो है स्टार्ट करना शुरू कर दिया. आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको मना ही नहीं कर पाती है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी उससे. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल. ठीक है, अब मैंने जो है कुत्ते की तरफ देखा और यही तो सारी मतलब जो है इसकी प्रॉब्लम की जड़ है. क्या? ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, इसका लालच खाने को लेकर, यही तो सारे प्रॉब्लम की जड़ है. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or नाइट, ठीक है। वो जो एक कभी भी खाने को मना नहीं करता, वो किसी भी टाइम उसको कुछ भी खाने को दे दो वो खा लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इसके अलावा भी जो है मिसेस पम्फ्रे इसको खाने को कुछ ना कुछ देती रहती होंगी जो मुझे नहीं बता रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस? फिर वो पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज करा रही हो इसको? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, है ना। और फिर वो बोलती हैं कि थोड़ा बहुत चलता फिरता रहता है जैसे कि आप देख सकते हो मेरे साथ। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, ठीक है। वो बोलती है कि भाई जो माली है वो दूसरे कामों में लगा है तो आजकल रिंग थ्रोइंग वाला गेम नहीं हो रहा। खिलाते ना कुत्तों को कि रिंग फेंकते हैं तो कुत्ते लेकर आते हैं या उछल कर कैच कर लेते हैं, तो वो सब नहीं हो रहा, बस थोड़ा बहुत मेरे साथ चल फिर लेता है। I tried to sound severe, now I really mean this. अब मैंने जो काफ़ी ऐसी कोशिश की कि उनको ऐसा लगे कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैंने जितना मतलब सीरियस होकर बात कर सकता था ना, मैंने उनको बोला कि अगर आप इसका खाना पीना जो है कम नहीं करेंगी और इसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो ये बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से बीमार पड़ सकता है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल जो है मजबूत करना होगा और इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, है ना। वो अपने हाथ ऐसे ऐसे रब करती है ना और कहती है कि मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी। I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. ठीक है, वो इतना मतलब ऐसा मोटिवेटेड होके गई कि जैसे अभी के अभी ना ये जो रूटीन जो मैंने बताया उसको फॉलो करने लग जाएंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब ट्रिकी ने भी एक कोट पहन रखा था और उसमें वो ऐसे जा रहा था लड़खड़ाते हुए, और ट्रिकी के पास मतलब उसका पूरा जो अलमारी है वो इन कोट से भरा हुआ, और इवन उसके पास उसका खुद का एक रेनकोट भी है। He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो है मिसेस पम्फ्रे का कॉल आने लगेगा। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, मतलब वो जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में थी और स्ट्रेस थी, और वो बोल रही थी कि भाई ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं खा रहा है। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा और इवन उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो भी मना कर रहा है और उसको काफ़ी सारी उल्टियाँ हो रही हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और अब वो पूरा दिन जो है बस रग पर पड़ा रहता है और सांस उसकी फूलती रहती है। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. ना वो अब वॉक्स पे जाना चाहता और वो कुछ भी नहीं करता दिन भर। I had made my plans in advance, लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता था ये होने वाला है तो मैंने सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी थी। The only way was to get Tricky out of the house for a period. ठीक है, और जो तरीका था वो यही था कि ट्रिकी को जो है मुझे मिसेस पम्फ्रे से थोड़ा दूर करना पड़ेगा अगर मुझे उसको ठीक करना है तो। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि भाई इसको जो है एक आध रात के लिए हमें एडमिट करना पड़ेगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. ठीक है, अब उन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में आ गई थी क्योंकि उन्हें पता था वो दोनों मतलब ट्रिकी और मिसेस पम्फ्रे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, तो दोनों ही मतलब ऑब्वियसली ट्रिकी भी कि अगर वो मिसेस पम्फ्रे से रोज़ नहीं मिलता तो वो जो है मर जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वैसा ही मिसेस पम्फ्रे का था ट्रिकी को लेकर। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ठीक है, यही सबसे सही तरीका था और मैंने बस अब ये चीज़ जो है पक्का कर लिया था इरादा, और ट्रिकी क्योंकि काफ़ी बीमार था तो यही तरीका था उसको बचाने का। ठीक है, अब जो है मैंने कहा कि भाई जितना मैं डिले करूँगा उतनी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, और बेचारी जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बेचारी चिल्ला रही थी, रो रही थी पीछे, और मैं ट्रिकी को जो है एक ब्लैंकेट में लपेट कर लेकर आ गया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज बेड his night bed favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper बॉल, ठीक है। और जो पूरा स्टाफ था मिसेस पंफ्रे के घर का, सब उतल पुतल हो गया। कोई जो है उसका कुछ बेड रख रहा है, उसकी चीज़ें रख रहा है, ट्रिकी की सुबह का बेड अलग, रात का बेड अलग, उसके फेवरेट कुशन रख रहा है, उसके टॉयज़ रख रहा है, उसके खाने का बॉल अलग, सुबह के नाश्ते का अलग, रात के खाने का अलग। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मुझे पता था भाई ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी कार में नहीं आ सकती, मैंने जल्दी से गाड़ी चलाना शुरू करी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जैसे ही मैं वहाँ से जा रहा था तो मिसेस पंफ्रे जो बेचारी रो रही थी, उन्होंने जो है ट्रिकी के काफ़ी सारे कोट जो हैं मेरी गाड़ी में फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव ईव इन टीयर्स, ठीक है। और मैंने जो है जाकर पीछे देखा तो सब के सब जो है रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने देखा कि बेचारा जो साइड में मेरे एनिमल था, जो डॉग था, वो बेचारा हाँफ रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. अब मैंने उसको बेचारे को थोड़ा सा थपथपाया तो उसने इतनी हिम्मत की कि उसने अपनी टेल हिलाई। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. ठीक है, अब जो है उस मतलब ऑब्वियसली उन्हें बुरा लग रहा था तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम में अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। ठीक है, अब जब मैं अपने वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में या सर्जरी रूम में, तो वहाँ जो बाकी जो और भी डॉग्स वहाँ पर थे मेरे, वो सारे के सारे मेरे पास आकर इकट्ठा हो गए। और ट्रिकी जो है उसने जब इन सबको देखा, क्योंकि वो सारे ऑब्वियसली नॉइज़ कर रहे होंगे, भौंक रहे होंगे, तो उसने उनको सबको डल आइज से देखा। और जैसे ही मैंने उसको नीचे रखा, वो कारपेट पे बिल्कुल मोशनलेस होकर लेट गया, मतलब कोई उसने हरकत नहीं की। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब जो बाकी सारे डॉग्स थे, पहले उन्होंने काफ़ी देर तक उसको सूंघा, फिर उन्हें रियलाइज़ हो गया कि भाई ये जो है कुछ भी नहीं है, और उसको जो है इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। फिर मैंने एक बॉक्स में जो है ट्रिकी का बेड लगाया, जैसे मैंने बाकी डॉग्स के लिए लगा रखा था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. अब 2 दिन तक मैंने उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा और उसको कुछ भी खाना नहीं दिया, लेकिन उसको काफ़ी सारा पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings. और दूसरे दिन जो है वो थोड़ा बहुत जो है मतलब उसमें एनर्जी आई, थोड़ा बहुत उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। And on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. ठीक है, और थर्ड डे उसने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया था जब वो दूसरे कुत्तों को बाहर भौंकता हुआ सुनता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. ठीक है, अब जैसे ही मैंने डोर खोला, ट्रिकी बाहर निकल गया और इमीडिएटली जो सारे कुत्ते थे, है ना, उनके सब ने उनको घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved on the darken। अब उसको जो है वापस से जो है सबने ऐसे सूंघा, उसको सब देखा, और फिर उसके बाद सारे जो डॉग्स हैं वो कहाँ चले गए, गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज प्लस फैट। अब ट्रिकी भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी मोटा था, तो वो धीरे धीरे जो है उनको फॉलो कर रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ठीक है, अब उस दिन उसी टाइम की बात है, और जब उनको खाना डालने का टाइम था तो मैं वहीं था उस वक्त, और मैंने देखा कि ट्रिस्टन जो है उनके जो बाउल्स थे उसमें खाना डाल रहा था। देयर वाज द यूजुअल headlong rush followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब क्या होता था, सारे जो कुत्ते हैं वो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि भाई अपन कुछ डालते तो सारे कुत्ते फ़ौरन आ जाते हैं खाने कि भाई मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, मैं पीछे रह गया तो कोई और मेरा हिस्सा खा जाएगा, तो वही वाली चीज़ वहाँ पर होती थी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. ठीक है, और जब वो सब खा लेते थे तो ट्रिकी क्या करता था, जाता था और जो भी बॉल्स वगैरह रखे होते थे उनको जाकर चाट कर साफ कर देता था। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने देखा कि भाई ट्रिकी का खुद का बॉल नहीं है, इसलिए उसको खाने को भी नहीं मिल रहा था, तो अगले दिन ट्रिकी का भी जो है बॉल रखा गया वहाँ पर। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैं काफ़ी खुश हो गया जब मैंने देखा कि वो भी बाकी कुत्तों की तरह कॉम्पिटिशन में आगे जा रहा था अपने खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो सिचुएशन सुधर रही थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about, followed the dogs, joining in their friendly scrimmages. ठीक है, अब क्या था कि भाई के अब उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था मैं, लेकिन जो बाकी सारे डॉग्स थे उनके साथ वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया था और उनके साथ खेलने लग गया था, तो उसी वजह से उसकी जो है काफ़ी रैपिड रिकवरी हो रही थी। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि भाई उसको चीज़ें पता चल रही थी कि कैसे जो है कुत्तों को क्या क्या करना चाहिए। उसको सब अच्छा भी लग रहा था, है ना, इन्जॉय भी कर रहा था। उसने अब जो है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था सबने अपनी गैंग में। और जैसे बाकी सारे लड़ते थे वैसे ही वो भी अपने खाने के लिए लड़ता था, है ना। रात को वो सब जो है चूहे ढूंढते थे खाने के लिए और ऐसे करके जो है उसको काफ़ी इन्जॉय करता था वो, क्योंकि उसको ऐसा कभी पहले नहीं मिला था, है ना, क्योंकि वो एक पैट था, वो घर में ही रहता था। और उसको काफ़ी मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो, मतलब ऐसा होता है ना, स्पॉइल कर देते हैं किसी को, वैसे रखती थी इसीलिए। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. ठीक है, लेकिन ये जब सिचुएशन चल रही थी तो मिसेस पम्फ्रे बेचारी, क्योंकि वो काफ़ी प्यार करती थी ट्रिकी से, वो भाई कम से कम 10-12 बार जो है दिन भर में कॉल कर देती थी कि अब क्या अपडेट है, अब कैसा है ट्रिकी, अब क्या कर रहा है, ऐसे करके। I dodged the questions about whether his questions were being cleaned regularly or his correct coat worn according to the weather. But to tell her that the little fellow was out of danger and ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया ना, अब मैं जो जो भी क्वेश्चन पूछती थी, अब उनके क्वेश्चन मोस्टली क्या होते थे कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लीन करा गया है क्या, उसको वेदर के हिसाब से करेक्ट कोट पहनाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं क्या करता था, इग्नोर करता था। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, अब मैं जब भी उन्हें ये वर्ड यूज़ करता था ना कि भाई आपका जो डॉग है वो डेंजर से बाहर है और अब जो है वो काफ़ी जो है क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सही हो रहा है रैपिडली, और ये जो वर्ड मैं यूज़ करता था ना कॉन्वेल्सिंग, ये वर्ड का कुछ ना कुछ इफेक्ट मिसेस पम्फ्रे पर अलग ही पड़ता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। अब जैसे उनको मैंने ये बोल दिया कि भाई वो ठीक हो रहा है, डेंजर से बाहर है, तो भाई बस अब वो जो है अंडे ला रही हैं ना, कम से कम जो है वो कितने 2 dozen, मतलब 24 अंडे एक टाइम पे बेचती थी ट्रिकी के खाने के लिए कि उसकी जो है स्ट्रेंथ बने। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन दी हाउस होल्ड। ठीक है, आप भाई वो कुछ भी भेज रही हैं, मतलब अंडे भेज रही हैं, चलो ठीक है, अब वाइन्स की बॉटल आने लग गई। अब ट्रिकी को तो मैं खाने को कुछ नहीं दे सकता था, तो हम सभी ब्रेकफास्ट में रोज़ 2 अंडे खा लिया करते थे। I was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. क्योंकि अब क्या होता था कि भाई मुझे जो है उसका एक तो पहले ब्लड टेस्ट करना था, उसमें और चीज़ें देखनी थी, और दूसरी बात ये कि भाई लंच में जो है अब काफ़ी, मतलब ऐसा होता था कि हमें ना कोई जैसे ओकेजन हो, कोई त्यौहार हो, इस तरीके से हम लंच करते थे क्योंकि वाइन की बॉटल्स आ जाती थी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। ठीक है, आप क्या होता था भाई, हम भाई ब्रांडी आ रही, कुत्ते के लिए ब्रांडी आ रही है, जरा देखो तो सही। तो कुछ टाइम तक तो ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, है ना। अब आगे क्या हुआ स्टोरी में, है ना, कि ट्रिकी जो है वो ठीक हुआ, घर गया, या मिसेस पम्फ्रे अब आगे क्या बेचती हैं या फिर डॉक्टर क्या आगे करते हैं वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो भाई आगे अभी तक की स्टोरी में आपने देखा, जहाँ तक हमने देखा अभी तक उसको कोई मेडिसिन्स नहीं दी गई, कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? और आगे ऐसा रहेगा तो ट्रिकी ठीक कैसे होता है वो जानेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।